बच्चों आज हम चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, इसमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी एंड व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। नाउ फिगर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ए सी बी एंड डी, सो गिवन व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी पहला क्या दिया आपको, ए सी इक्वल टू ए डी, ये इसके इक्वल है। एंड द सेकेंड थिंग, सेकेंड पार्ट आपको इसमें दिया है एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। देखिए ये एंगल बी ए सी बी ए डी के इक्वल है। वाई, क्योंकि आपका बिकॉज ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आप चाहते ले सकते हैं यहां पर ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, ये आपको गिवन में था। ओके नाउ अब आप देखिए मैक्सिमम कॉन्ग्रेंसी के क्वेश्चंस में जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉरस्पॉन्डिंग नेसेस में दिया रहता है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे उसके, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट किस ट्रायंगल के कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे, ये ऑलरेडी हमको जो क्वेश्चन में ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिए हैं उसके अंदर मिल जाता है। सो यहाँ ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल। अब यहाँ पर इसका प्रूफ आएंगे, इसके पहले हमें जो प्रूव करना है वो भी हम इसमें लिख लें एक बार तो बेहतर रहेगा। टू प्रूव, क्या दिया, क्या प्रूव करना आपको यहां पर, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। नाउ प्रूफ यही ले लेंगे, जो ट्रायंगल यही है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी इक्वल टू ए बी, ये आपको क्या दिया है कॉमन। सेकंड वन ये देखिए एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए डी, ये आपका गिवन है, गिवन के अंदर हम ले चुके हैं। एंड थर्ड ए सी इक्वल टू ए डी, ये भी आपका गिवन है। जरा ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल में यदि आपको ये दिया हुआ है कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड एस ए एस। सो योर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, एस एस कॉन्ग्रेंसी रूल हो गया इसमें अंदर। नाउ हमसे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन में वो क्या था, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। सो यहाँ देखिए बी सी और बी डी ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, किसके, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के। सो बी सी इक्वल टू बी डी, ये किससे आ जाएगा, बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर अपना क्या हो गया, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, द बी सी एंड बी डी आर इक्वल, हैंस प्रूफ्ड। ये आपका
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. ओके, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड डी ए बी, डी ए बी ये जो एंगल है इट इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, इसे सी बी ए के इक्वल दिया हुआ है. प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ए सी एंड बी डी इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी. ओके, सो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं. इसके पहले आपको दिया है व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आपको दिया हुआ है ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए. अब आप यदि चाहें तो इन दोनों ट्राइंगल को दिया अलग अलग सेपरेट ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से, जिसे देखिए डी ए बी, डी ए बी हम इसको एक अलग से ड्रॉ करते हैं. ओके, समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ. यहाँ पर ये आपने ड्रॉ किया, ध्यान से देखिए डी, आपको प्रूव करना है ए बी डी, ए बी डी आपने ड्रॉ कर लिया और बी ए सी, और साथ में आपने ये बी ए सी को भी ड्रॉ किया, अलग ड्रैग आउट कर लिया, सेपरेट कर लिया बी ए सी. अब देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स, ए डी इक्वल टू बी सी, एंगल डी ए बी, दिस एंगल इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी आपको दिया हुआ है. और तीसरा ये देखिए, ये साइड दिस वन ए बी, ए बी और ये बी ए कॉमन है. तो अपने आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल में कौन सी कॉन्ग्रेंसी कंडीशन लग रही है, एस ए एस, एस ए एस, सीक्वेंस वही है. ओके, सो अब समझ में आ गया इसको कैसे हमने ड्रैग आउट कर लिया अलग अलग. यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स फिगर था इसके अंदर तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे क्या होगा, लेकिन जब आपने इनको सेपरेट जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है उसी को किया तो क्लियर होता चला गया. तो यहाँ पर आपका अब हम डायरेक्ट इसमें से ले सकते हैं. चलिए आइए, सो इन ट्राइंगल जो प्रूव करना है उसे मिलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी एंड बी ए सी आपको क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपका गिवन है. सेकंड एंगल डी ए बी इक्वल, डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी आपका गिवन है. थर्ड वन ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपकी कॉमन साइड है. सो योर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल. और ऐसे ये कॉन्ग्रेंट होगा तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो जो अपने को नेक्स्ट पार्ट है बी डी इक्वल टू ए सी एंड द नेक्स्ट वन बी डी ए सी के इक्वल, और ये देखिए बी डी इक्वल टू ए सी एंड नेक्स्ट है आपका एंगल ए बी डी, ए बी डी पूरा एंगल इक्वल टू एंगल बी ए सी. बी ए सी बाय सी पी सी टी, ये आपका प्रूफ हो गया. चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3. ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी. क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो ए डी है, ये बी सी है,
इस लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का दे दिया आपको, इक्वल भी है। और आपको ये शो करना है कि ये सी डी ए बी को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स सपोज कीजिए कि यदि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है तो, और सी डी यदि ए बी को बाइसेक्ट करता है, सो ओ ए इक्वल टू ओ बी। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? गिवन है आपका ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके। और इसी के साथ में एक चीज और दी है आपको कि ए डी इक्वल टू बी सी। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव सी डी बाइसेक्स, सी डी बाइसेक्स ए बी, दैट इज ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओके। ना प्रूफ इन दो राइट ट्राइंगल्स में देखिए, एक एक एंगल दोनों में कितने का है? 90 का। ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल है ए ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा? बी ओ सी एंगल के इक्वल। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये जो ट्राइंगल अपन ले लेंगे इसके अंदर, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, वॉट इज गिवन? ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ये आपका गिवन है 90 डिग्री ईच, क्योंकि परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग नेस का बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पर जैसे हमने लिया था ओ ए डी, तो यहाँ पर लिया हमने ओ बी सी, एंड द थर्ड वन ए डी इक्वल टू बी सी, इट इज ऑल्सो गिवन। सो योर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाई एंगल एंगल साइड ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो अपने आप आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ओ ए इक्वल टू ओ बी। देयर फोर ओ ए इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी, और ओ ए ओ बी के इक्वल हो गया, इसको हम फाइनल ले सकते हैं। देयर फोर सी डी बाइसेक्स ए बी, हेंस रूट। चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। L और M ये दो पैरेलल लाइंस हैं। P और Q ये दो ट्रांसवर्सल हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, P पैरेलल टू Q। शो दैट, आपको ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC, A से C को ज्वाइन किया, ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी ए, ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रेंट में, ओके। नाउ इसको प्रूव करने के लिए जो चैप्टर 6 में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल के केस में हमने पैरेलल लाइंस में जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि फिर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो व्हाट इज गिवन? एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है ये आपको पता है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। अब ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रेंट, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है।
तो आप यह ध्यान से देखिए, ये दो लाइंस पी एंड क्यू पैरेलल हैं, तो ये एंगल एंगल ए यानी कि बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी इस एंगल के इक्वल होगा। वाई अल्टरनेट इंटर एंगल्स जेड बन रहा है, देखिए आप बी ए सी ए सी डी तो जेड बन गया, जेड मतलब इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और सिमिलरली आप देखेंगे ए सी बी, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा क्योंकि एल पैरेलल टू एम, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ईजिली ले सकते हैं कि इन ट्राइंगल, जो प्रूव करना है वही लेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं अब, एन ट्राइंगल सी डी ए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका एंगल बी ए सी, बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, या जिसको हम कह सकते हैं ए सी डी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या जाएगा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हम डिटेल में लिख देंगे पी पैरेलल टू क्यू। ओके, सिमिलरली एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एल पैरेलल टू एम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एल पैरेलल टू एम, एंड द थर्ड वन ए सी इक्वल टू ए सी, एंड दैट इज द कॉमन। सो योर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, हेंस प्रूव्ड। ये आपका यहाँ पर प्रूव होगा।